कोई हो मसरा कोई हो केस कोई हो केस ओ करना है इनको फेस इनको फेस अपने वतन की अपनी पुलिस चौकी नंबर 420 डाकू चोर उचक्कों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस चौकी नंबर 420 चौकी नंबर 420 हाँ जी शुरू हो जाओ सर तीन दिन पहले एक लड़की के साथ शादी की अच्छा और लड़की सारा जेवर लेकर भाग गई अच्छा आपका क्या मसला है सर मैंने एक महीना पहले एक लड़की से शादी की थी और ठीक तीन दिन बाद वो जेवर और नकदी लेकर भाग गई और अभी तक उसका पता ही नहीं चला बशीर जी बीरे अरे बीरे शेर न कराया कर जी सर जी प्राइवेट लोग बैठे ने की सोचेंगे वो अपनी प्रॉब्लम है हमारा क्या सोचेंगे वो फजूल गल्ला करदा इसमें फजूल वाली बात ही नहीं भी किस विच फसा दिता वीरे इतने पतले हाथ है आप तो अंदर उतर के उठा सकते हो इसको सारी तफसीलात लिख दसो जी इसको हाँ जी आप बताएं जी कीमती चीजों के अलावा और क्या क्या लेकर गई वो और उनका नाप लेके गई ताकि अच्छे ब्रांड के कफन सिलवा के उनको भेजे ये कोई सवाल है पूछने का वीरे मेरा मतलब है कि कीमती चीजों के अलावा मतलब मोबाइल ज्वेलरी घड़ियां इस तरह की चीजें तो कोई नहीं गई फिर बाद में ऐसे लोग पल्ले से चीजें डाल देते हैं खुद देंगे हम लोग इसके अलावा और कुछ नहीं लेकर गई और अजीब बात है कि एक ही लड़की ने दोनों के साथ फ्रॉड कर दिया यानी आप दोनों ने एक ही लड़की से शादी की थी हाँ जी बशीर जी बीरे सर सर मुझे तो कोई ये मुनज़्ज़म ग्रोह लगता अच्छा मुझे एक बात बताइए ये लड़की आपको मिली कहाँ से थी जिसने ये रिश्ता करवाया था सर एक शादी का दफ्तर है चिलमन मैरिज ब्यूरो मेरा ख्याल है कि इनफराडियों की चिलमन से चिलमन उतारनी पड़ेगी सर क्रम सब खैरियत है कौन है ये लोग सर ये लोग कहते हैं कि इन्होंने एक लड़की के साथ शादी की और वो रात के अंधेरे में कीमती सामान और जेवरात लेकर भाग गई सर क्या मतलब एक ही लड़की शादी करती है मेरे को लड़की शादी करती है फिर ना रात को खामद को ना कोई नशावर चीज पिला के सारा कीमती सामान लेकर भाग जाती है जी सर कहाँ से मिली आपको ये लड़की ये एक शादी का दफ्तर है वहाँ से मिली अक्रम सर मुझे ये कोई बैनुल अजलाई ग्रुप लगता है जो मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करता है तुम इनसे शादी ऑफिस का एड्रेस लो क्यों फिर आपका भी उस लड़की के हाथों से कुछ नशावर चीजें पीने को दिल करता है बशीर होश कर एसएचओ साहब ने अखरो भी इंसान ने भी किसी ने दिल कारी आंदा अकरम फजूल बातें बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो जी सर इस ग्रुप को पता कोई फुल प्रूफ प्लानिंग करना पड़ेगी क्योंकि मैं इस ग्रुप को सबूत समेत पकड़ना चाहता हूं सर मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था सर आप देखें कितना मिलता जुलता है सर वो क्यों सर बहुत अरसा हो गया किसी फीमेल मुजरमा की तफ्तीश ने ना की हालांकि मेरे खुद की जिस तरह की तफ्तीश होती है ना आपकी सोच होगी बशीर फजूल बातें बंद करो और इन लोगों का मसला हल करो सर और जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो और कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सर क्योंकि इसमें हमारा जानी नुकसान होने का भी अंदेशा है क्योंकि मैं इस ग्रोह को रंगे हाथों सबूत समेत पकड़ना चाहता हूँ और मेरी बात गौर से सुनो भीरे ये जो प्लान आपने बताया ना एक बार फिर बता दे वो क्यों क्योंकि पहले जब आप बता रहे थे ऊपर म्यूजिक चल रहा था हराम है आपकी किसी बात की समझ आई है बशीर सर यही बॉस है और की मोटर लग गई बॉस यही है ओए होए और की आरफ लो आता टोल के वाला अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम आप अक्रम जी 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 खून यस मैंने किया था तशरीफ लाएं बैठे आप बैठे आप बैठे आप बैठो थैंक यू सर आपने फोन कॉल पे कहा था कि आप लड़के को भी साथ लेकर आएंगे जी सर यही लड़का है लड़का आपको इनके लिए रिश्ता चाहिए जी ये मेरे भाई हैं बल्कि ये मेरे बड़े भाई हैं सर आपके बड़े भाई कुछ ज़्यादा बड़े नहीं ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शादी के लिए मान गए हैं बहुत शर्मीले हैं अगर शादी के लिए ना मानते तो अगले महीने की 9 तारीख को इनका उर्स था मगर आपको
इनके लिए कैसा रिश्ता चाहिए? लड़की बस अच्छी होनी चाहिए सर। ये आपसे बात करने के बाद हमने इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है सर। एक लेडी डॉक्टर का रिश्ता भी इनके लिए आया है सर। मेरा मतलब है आपने ये बताया नहीं कि इनको कैसा रिश्ता चाहिए। मेरा मतलब कि रिश्ता होना चाहिए बस। लड़के नहीं बोलते सर। कोई मुनासिब जो भी है, अच्छी लड़की होनी चाहिए। मतलब कद ज़रा लंबा हो, गर्दन सुराईदार हो, बाल ज़रा लंबे हो, मतलब कोई भी मुनासिब। आपके भाई साहब करते क्या हैं? ये तो उन्होंने मुझे खुद कभी नहीं बताया। I mean, कुछ भी नहीं। अब मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है सर। माशाल्लाह ज़मीन है, प्रॉपर्टी का काम भी है। खुद नहीं वहाँ बैठते, बस लोग रखे हुए हैं और ज़िम्मेदारा है। चार तो ट्रैक्टर हैं सर इनके अपने। बस बस रिहाइश कहाँ है इनकी? जी थाने। थाने थाने के साथ जो नई कॉलोनी बनाई इन्होंने खुद ही डेवलप की है सर। और उसमें एक छोटा सा 4.5 कनाल का जो घर है बनाया है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे फिर तो समझे कि मैं इनके लिए रिश्ता तलाश करने चल पड़ा। और भरगे चलने की गप, मेरे पास ऑलरेडी रिश्ते मौजूद हैं, नज़र में हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लड़की कैसी रहेगी जी? मेरी तरफ से हाँ ही है। आपके भाई साहब को बहुत जल्दी है शादी की। सर जी बस वो डेथ डस्ट चढ़ी हुई है, आई मीन मरण मिट्टी चढ़ी हुई है। बड़ी जल्दी है इसको। जी मैं क्या लड़की से मिल सकता हूँ? देखा सर, वही डेथ डस्ट यानी मरण मिट्टी। जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं अभी कॉल करता हूँ लड़की को। मुझे यकीन है कि ये रिश्ता बहुत पसंद आएगा दोनों को। सर जी लड़का मैं हूँ, मैं, और मुझे भी पसंद है रिश्ता। आप फिक्र ना करें, मैं आपको सारे मामलात बड़ी तफसील से समझाता हूँ। मुझे यकीन है कि ये रिश्ता 100% कंफर्म है। आने सर, क्या रिपोर्ट है? साहब जी रात को ना उसने बोलो, रात को ना उसने मुझे दूध का गिलास दिया। अच्छा। फिर मैंने चोरी छुपे आंख बचाकर वो दूध फेंक दिया। गुड। और फिर मैं सारी रात जागता रहा। क्यों? कि ये चोरी करे। वेरी गुड निसार, तुमने इसी तरह जहानत से काम लेना है हमेशा, सिर्फ इस केस में नहीं। विनय अपना सर जी, शादी दफ्तर वालों की तरफ से कोई और केस नहीं आया फ्रॉड वाला? क्यों सर जी, मैंने भी कोई ऐसा ग्रोह पकड़ना है। आपने निसार की शादी करवा दी। अब बेवकूफ, वो सब कुछ फर्जी था। साहब जी कसम से वाकई सब कुछ फर्जी था। सच्ची आज निसार की तबीयत ठीक नहीं है सफेद मार्क का। आप इसकी जगह मुझे ड्यूटी पर भेज सकते हैं। क्यों जी, सबसे सीनियर मैं हूँ। हाँ, तो फिर नाश्ता लेकर किसने जाना है? इस तरह तो सबसे सीनियर SHO साहब हैं। फिर अक्रम तुम फजूल बातें बंद करो। निसार तुमने बड़ी समझदारी और होशियारी से काम लेना है। सर जी इसको ना साफ साफ ना या होशियारी से काम लेना है। वैसे सर जी एक बात बताएं, आपने इस काम के लिए निसार को ही क्यों मुंतखब किया? क्योंकि निसार तुम सबसे उम्र में बड़ा है और शादी दफ्तर वालों को ये एहसास होता है कि बड़ी उम्र के लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं और ज्यादा शादियां करते हैं। बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है। साहब जी वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि उसने सारी रात चोरी क्यों नहीं की।
हो सकता है वो पहली रात रिस्क ना लेना चाहती हो और देखना चाहती हो कि बेहोशी की दवा तुम पे कितना असर करती है। वैसे फिर इस उम्र में तो ना दवा ही असर करती है, दवा नहीं असर करती। वैसे सर अगर आप निसार के भाई होने के नाते मुझे सरबाला बना देते तो आपका क्या जाता था। बहुत समझदार है निसार, खुद इस केस को हैंडल करेगा सर। ओके। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ, प्लीज अब्बा मुझे मत छोड़िएगा। ये क्या कह रही हो? जी मैं सब कुछ सच कह रही हूँ, मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया है कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। तो वो अपना शादी दफ्तर वाला, वो बॉस है हमारा, प्लीज आप मुझे इस जहन्नुम से निकाल लीजिए। और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, कोई मसले की बात भी नहीं है, प्लीज। मुझे हाथ मत लगा प्लीज। पीछे तो आप कहाँ जा रहे हैं? मुझसे दूर रहो प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। सुनिए मैंने बात, दूर रहो मुझसे। सची मैं अब उस लड़की के घर नहीं जाऊंगा। तो क्या आप उस लड़की को यहाँ थाने में बुला लें? क्यों बेवकूफों वाली बातें करते हो? शादी वो कहती है कि मैंने आपके साथ ही रहना, मैं नहीं तुम्हें छोड़ सकती। जाहिर है जहाँ लड़की को उसके बाप का प्यार मिलेगा भी रहा उधर ही जाएगी। अब बशीर पूरी बात तो सुनने दो। हाँ निसार बोलो। साथी उस लड़की ने ना मुझे शरीफ आदमी समझते हुए मुझे सब कुछ बता दिया है जी, यहाँ तक भी बता दिया है कि वो शादी दफ्तर वाला जो है ना वो उसका बॉस है। ये मामला तो किसी और तरफ ही चल निकला है। साजी ऐसा पहले के मामला किसी और तरफ ही चल निकले, आपने सार की जगह मुझे ड्यूटी पे भेजे, फिर देखे सपेट मार के। लो बताओ, इसको तो हर वक्त डेथ डस्ट चढ़ी रहती है। मेरी ये डेथ डस्ट क्या होती? ओ मरण मिट्टी, चार जमाता पड़े होंदा ते हवालदार तो ना होंदा। चार जमाता पड़े तो फिर आपके साथ ही होता। साथी मैं अब उस लड़की के घर नहीं जाऊंगा, मेरी तरफ से साफ साफ जवाब है। प्रेशर हो रहा है जैसे मैट्रिक का स्टूडेंट हो। बेवकूफा इसमें सबका फायदा है, तुम उसकी असलियत जान चुके हो, आप अपनी असलियत बताओ, उसे वादा माफ गवाह बना लो, सारा मसला हल हो जाएगा। और वैसे भी हम तुम्हारे निकाह के गवाह हैं, पता तो तब पता चलेगा ना जब तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे पोते पोतियों को तुम्हारे ब्याह की सेल्फियां जाएंगी, फिर देखना महकमे के अंदर तुम्हारे कितने कारनामे जो है ना वो सारे उजागर होंगे। साहब जी ये बशीर को समझा ले। और यार तुम फिक्र ना करो, बशीर तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। वैसे सर बात मजाया भी है और हैरानगी वाली भी, जिस लड़की को कई शहरों की पुलिस नहीं पकड़ सके, निसार की शक्ल देखते ही उसने इतराफ जुर्म कर लिया सफेद मार के। मेरी इज्जत भी बनी हुई है और तुम लोगों का मजाक सूझ रहा है। अब सब लोग तुम मेरी बात गौर से सुनो कि अब करना क्या है सर, ठीक है? तुमने इस घर का सफाया करने में इतनी देर क्यों लगा? सर वो रात को जाग जाता है, बेहोशी की दवा ज्यादा देर तक असर नहीं करती है उस पर। तो दवा की मिकदार बढ़ा दो, हमें यहाँ पर ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें ये शहर छोड़कर निकलना है। जी सर मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा उम्र होने की वजह से ज्यादा मिकदार कहीं उसकी जान ही ना ले ले। तुम्हारी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, ये जगह हमारे लिए ज्यादा महफूज नहीं रही, और फिर रोज रोज ऑफिस बदलना भी इतना आसान तो नहीं होता। जी सर। वैसे तुम्हें कुछ आइडिया है कि कितना माल होगा? सर माल तो मुझे काफ़ी लग रहा है, इसीलिए तो मैं जल्दी नहीं कर रही। तो यहाँ देर भी तो खतरनाक हो सकती है। जी सर मैं समझ रही हूँ। अगर समझ रही हो तो फिर कुछ करो, मुझे हर हाल में आज रात इस घर का माल चाहिए, समझी? लड़की हमने ट्रेस कर ली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका मसरूका माल भी बरामद हो जाएगा। अगर कोई तो बर्दाश्त किया करें, सब्र किया करें, हम पर इतबार किया करें। सर हाँ अक्रम सब खैरियत है? सर सब ठीक ठाक चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अक्रम वो जो लड़की वाले केस में छापा मारना है वो टीम रेडी है? जी रेडी है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बशीर भी रेडी है सर, इजाज भी रेडी है सर। नहीं अक्रम, इजाज और बशीर थाने में रहेंगे, तुम और बाकी टीम मेरे साथ चलोगे,
ठीक है, हर बारी मेरे ते ही सारा बाहर होंगे। क्रैम, तुम सीनियर हो सर, और बड़ी समझदारी और होशियारी से काम करना, ठीक है। टीम को रेडी करो और निकलने की तैयारी करो सर। ओके, देखा कितने प्यार से गुफ्तगू करते हैं, हालांकि हमारे बड़े अफसर हैं। आप लोग तैयार हैं? चलो आराम कर लें। और नहीं नहीं, आप मेरे साथ आए 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 आज। लड़की तो मुझे माकूल ही लग रही है। अरे आप फिक्र ना करें, आपके साथ बहुत सूट करेगी, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई फैमिली की लड़की है। अब वो तो सूरत से ही लग रही है। बस क्या बताऊं, पहली शादी के 2 माह बाद ही उसका खावंद एक हादसे में चल बसा था। अब आपका सहारा मिल जाएगा तो जिंदगी संवर जाएगी उसकी। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आप मुझे माकूल आदमी लगे, इसलिए मैं आपकी और लड़की की फेस टू फेस। अमूमन हम ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन अब लड़की आती होगी। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लड़की देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे जी। आप भाई साहब, मैंने तो तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था। अकरम सर, सर प्लीज। मिस्टर कदीर, तुम्हारा ये खेल तमाशा खत्म हो चुका है। सर भाई आप चुप है, पत्थर के कुंडे। ओ फलूदा पाउन वाले कुजे, ये निसार नहीं है, ये कांस्टेबल निसार साहब हैं। और मिस फायजा ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, बल्कि वादा मागवा बनके आपको गिरफ्तार कराने के लिए यहां तक आई है। ये क्या किया तुमने फायजा? क्या किया? वो युगंडा के लाटू जो तुमने इसके साथ किया, अब वो हम तुम्हारे साथ करेंगे। अकरम, ले चलो इन्हें थाने। ठहरे प्लीज, मेरी एक बात सुन ले, मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगा। सड़ियां लता कुटेंगा। मैं आपको ढेर सारे रकम भी दे दूंगा और आपकी फ्री में शादी भी करा दूंगा। ओ पैसे की गल छोड़, चलो शादी की बात तो ठीक है, वो जरा करो। अकरम सर, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप सीनियर हैं, पहले आप। ले चलो इसे। क्यों भाई? ओए अली शेर, इन पुत्र डाले च बात है, टीवी शीवी हर शह विच रख ले। बिस्मिल्ला करा, वो तेरे सिर ते कोई जिम्मेदारी भी नहीं रही है। चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420।